हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का AJS स्टडी YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली यूज के 20 सेंटेंस बताऊंगा। पहले हिंदी में बताऊंगा, उसके बाद यह बताऊंगा कि इंग्लिश में आपको उस सेंटेंस को किस तरह से बोलना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरे पास केवल 3 छुट्टियाँ हैं। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। आई हैव ओनली 3 लीव्स इन माई क्रेडिट। वो मेरी सलाह को नहीं मानता। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। ही डजेंट एक्ट ऑन माई एडवाइस। प्लीज थोड़ा और लीजिए। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। प्लीज हैव ए लिटिल मोर। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। I am at your service। भाग्य के सामने कोई नहीं टिक सकता। We can say this sentence in English। Nobody can stand against fate। तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। We can say this sentence in English। How dare you do so? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। यू मस्ट बी एसेम्ड। मुझे मौत से डर नहीं लगता। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। आई एम नॉट अफेयर्ड ऑफ डेथ। सोचने के लिए वक्त दीजिए। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। Give me some time to think। आपसे मिलकर खुशी हुई। We can say this sentence in English। Pleasure to meet you। माफ करें, आपको कष्ट हुआ। We can say this sentence in English। Sorry to hurt you। तुम गरीबों पर दया नहीं करते। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। यू डोंट शो पिटी ऑन द पुअर। आग बुझा दो कहीं चारों ओर ना फैल जाए। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। पुट आउट द फायर लेस्ट इट शुड स्प्रेड अराउंड। वो सुबह की ट्रेन से उतरा। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। ही गॉट ऑफ द मॉर्निंग ट्रेन। मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ। वी कैन से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। हमने रास्ते में एक अजीब चीज देखी। We can say this sentence in English। We saw an awkward thing on the way। तुम मुझे मेरे जैसे ही लगते हो। We can say this sentence in English। You seem to me just like me। मैं आज वहां जाने वाला हूं। We can say this sentence in English। I am supposed to go there today। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। We can say this sentence in English। I don't quite agree with you। यह जानवर विलुप्त हो रहा है। We can say this sentence in English। This animal is being extinct।